नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल हर्षित क्रिएशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं YouTube की 3 अपडेट्स के बारे में जो मोनेटाइजेशन को लेकर चल रहे हैं इस समय। जिन लोगों ने अभी अपना नया चैनल बनाया, जिन लोगों के यह मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है, यह वीडियो उन्हीं के लिए बनाने जा रहा हूँ मैं। दोस्तों, कई लोगों ने यूट्यूब की जो न्यू पॉलिसीज हैं उसके बारे में अपडेट दे ही दिया होगा, लेकिन उन लोगों ने कुछ हद तक कुछ वीडियो में जो अपडेट दिया था उन्होंने कुछ हद तक अपने कुछ बड़ा चढ़ा कर भी दे दिया था। लेकिन दोस्तों, जो सिर्फ 3 ही अपडेट आए हैं वो आपको जो है जो YouTube स्टूडियो है उसमें जो 3 अपडेट आए हैं वो सिर्फ 3 जो अपडेट है वो सिर्फ इस प्रकार है। सबसे पहला जो अपडेट आया है वो पहला अपडेट आया है तुम्हारा जो है वैल्यूएबल कॉन्टेंट के ऊपर, और सेकेंड रिव्यू के ऊपर, और आपका डुप्लीकेट के ऊपर। दोस्तों, ये 3 रिव्यू आए हुए हैं जो आजकल मोनेटाइजेशन पर लागू किए गए हैं। आज का ये न्यू अपडेट है जो इस बार मोनेटाइजेशन इनेबल के लिए जिन लोगों का चैनल तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिन लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं किया गया है या जिन लोगों का चैनल अंडर रिव्यू में चला गया है, आपको मालूम होगा यूट्यूब की पॉलिसी थी 4000 घंटे वॉच टाइम करना और 1000 सब्सक्राइबर करना। जिन लोगों का ये कम्प्लीट हो चुका होगा उन लोगों का जो चैनल है वो अंडर रिव्यू में चला गया होगा। जब वो चैनल अंडर रिव्यू में चला गया होगा तो मिनिमम जो रिव्यू होने में 7 से 10-15 दिन या 30 दिन, 1 वीक पूरा ले सकता है। अगर दोस्तों जिन लोगों का चैनल अभी तक भी मोनेटाइजेशन नहीं इनेबल किया गया है तो उसका भी बात यहाँ पर इस प्रकार है कि जिन लोगों का जो चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया गया है, क्योंकि उन लोगों ने हो सकता है कि कुछ कॉन्टेक्ट उन्होंने यूज़ कर लिए हो किसी की दूसरे, मतलब आप कह सकते हो कि किसी दूसरे कंटेंट अपनी वीडियो पर डाल रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट जो था दोस्तों वो था आपका सेकंड रिव्यू के ऊपर। दोस्तों, फर्स्ट रिव्यू में क्या था, फर्स्ट रिव्यू में जिन लोगों का चैनल अंडर रिव्यू में चला गया था या मेल करके आपको बताया था कि अगेन प्रोसेस के लिए बोला था रिव्यू में डालने के लिए, तो वो आपका सेकंड रिव्यू में चला जाता है दोस्तों। तो जिन लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन अभी इनेबल नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखो उस मोनेटाइजेशन जो इनेबल किया जाएगा वो इस तरीके से कराया। देखो, सबसे पहली बात तो ये है किसी दूसरे का आप कंटेंट अपनी वीडियो पर नहीं डालें तो अच्छा है। और दोस्तों, इसमें जो है जो सेकंड अपडेट जो आया था, सेकंड अपडेट में तुम्हारा ये वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। तुम्हारा कंटेंट कुछ इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि तुम्हारा जो कंटेंट है उसके जरिए लोगों के लिए कुछ अच्छा मैसेज मिल सके, उससे कुछ लोग सीख सकें। तो दोस्तों, जो सेकंड रिव्यू में चैनल जो रिव्यू में गया है अभी तक बताया नहीं गया है कि उनका चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल किया जाएगा। फिर उसका दोस्तों आता है डुप्लीकेट वाला, जो डुप्लीकेटेड कंटेंट है। जैसे मान लीजिए कोई वीवी की वाइंस चैनल है या कोई और भी चैनल है, उनकी स्क्रिप्टों को आप कॉपी कर लेते हैं और उसके खाली अपने इमोजीज और एक्शन इमोजी के लिए और अपने फेस एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। और जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सअप स्टेटस चैनल जिस पर आप व्हाट्सअप के शॉर्ट स्टेटस डालते हो, वो चैनल कुछ हद तक मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, क्यों नहीं किए जाएंगे, यूट्यूब का फर्स्ट रूल जो आया हुआ है कि आपको सबसे पहले अपना फेस आपको दिखाना होगा, आपकी वॉइस होनी चाहिए, कंटेंट आपका होना चाहिए। अब जो वो कंटेंट है, कंटेंट आपका वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि मोनेटाइजेशन इनेबल जो कर रहे हैं दोस्तों वो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, वो यूट्यूब के एम्प्लॉयज़ हैं। उनको लगेगा कि आपका चैनल जो है मोनेटाइज ऑन करा जाएगा तो किया जाएगा दोस्तों, अदरवाइज आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि यूट्यूब के क्या 3 अपडेट आए हैं। एक तो आपका आया था सेकंड रिव्यू के लिए, एक आया था डुप्लीकेट कंटेंट के लिए, और एक आया था आपका वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। तीनों के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मैं शेयर कर बताऊं तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस 2018 इसी सीज़न में अगर आप अपना या न्यू चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप सोच रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने की, तो आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसके रूल होते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।